नमस्कार, समाचार प्लस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वंदना सुरोही। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बड़ी खबर मिल रही है। गाजियाबाद के मिसलगढ़ी इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ है। बता दें कि 4 मंजिला इमारत गिर गई है यहां पर, और निर्माणाधीन 4 मंजिला इमारत गिरने से मलबे में कई लोग दब गए हैं। स्थानीय लोग और पुलिस ने 4 लोगों को मलबे से बाहर निकाला है। तो बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां अचानक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई है। 4 मंजिला इमारत थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बिल्डिंग में कई परिवार अभी भी दबे हुए हैं। ये आशंका जताई जा रही है, जो मजदूर यहां पर काम कर रहे थे उनके पूरे परिवार के साथ वो लोग यहां पर रहते थे, काम करते थे, और दर्दनाक हादसा हुआ है। अचानक बिल्डिंग गिरी है और उसकी वजह से कई परिवार इसमें दबे हुए हैं। जो मिट्टी भरावगी थी ना, शायद बहुत ऐसी होगी इसमें। अच्छा, कितने लोग होंगे लगभग इसके अंदर? 5-4 आदमी। और कितने कुछ निकाले गए अब तक? हाँ, 2 आदमी निकाल गए, एम्बुलेंस भेज दिए गए। अच्छा, 5 निकाले और बाकी जो और बाकी ठहरे हैं, आवाज आ रही है आपको, देखो सुनना, कोई ना कोई निकाले गए, निकले। बदेजुआ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बदेजुआ, अभी कितने लोगों के दबे होने की आशंका है? क्या रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंच पाई है? देखिए, एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंच गई है। इसके अलावा तमाम प्रशासनिक अधिकारी एसएसपी यहाँ पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ की वही टीम है जिसने अभी एक हफ्ते पहले जो है ग्रेटर नोएडा में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, जब दो बिल्डिंग एक दूसरे पर कोलैप्स हो गई थी। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और रही बात फंसे होने लोगों की, तो मैं बता दूं कि 3 परिवार बताए जा रहे हैं यहाँ पर, जो कि इस निर्माणाधीन इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे थे। तो करीब 1 दर्जन लोगों के यहाँ पर फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। जो एनडीआरएफ की टीम है वो मलबे को हटाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। जी मधुजुमा, यहाँ स्थानीय लोगों को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि अभी भी कुछ लोगों के आवाजें यहाँ से सुनाई पड़ रही है, कुछ लोग इसमें दबे हुए हैं, उनको तुरंत निकालने के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर, मैं बता दूं कि 15 से 20 मिनट के अंदर यहाँ पहुंच गई थी, क्योंकि ये जो इलाका है जहाँ पर ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, वहाँ से जो एनडीआरएफ की जो बटालियन जो है मुश्किल से 5 मिनट के रास्ते पर है। तो जैसे ही सूचना मिली, फौरन टीम वहां से तैयार होकर के यहाँ पर पहुंच गई है। रेस्क्यू शुरू हो चुका है, मलबा निकाला जा रहा है। रही बात अंदर फंसे होने की, तो 4 लोगों को यहाँ पर यहाँ से निकाला गया। फिलहाल जो स्थानीय लोग और जो पुलिस पहुंची थी, लोकल पुलिस, उसने 4 लोगों को यहाँ से निकाला था, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। उसके अलावा करीब 1 दर्जन लोग यहाँ पर अभी और फंसे हैं, जो कि मलबे के अंदर हो सकते हैं। मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं बता दूं कि चूंकि ये बिल्डिंग 4 मंजिल की बिल्डिंग थी, और हर जो है फ्लोर पर 4-4 फ्लैट बने थे, तो ये बिल्डिंग भी काफी ज्यादा बड़ी है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि ग्रेटर नोएडा में ऐसी। तो मलबा हटाना इतना आसान नहीं होगा वंदना, हालांकि जो है काम शुरू हो गया है, मलबा हटाया जा रहा है। जी मधुजमा, जो लोग बाहर निकाले गए हैं उनकी क्या स्थिति बताई जा रही है? वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जो लोग 4 लोग घायल निकाले गए हैं, वो इस बिल्डिंग के अंदर न फंसे होकर के बाहर का जो आउटर एरिया है जहां पर वहां पर थे, इसलिए उनको बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई है। हालांकि उन्हें फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। जो लोग अंदर फंसे होंगे, जाहिर बात है वो काफी गंभीर कंडीशन में होंगे, और उनके लिए ये जो है यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है। जी बदेजमा, ये हादसा कैसे हुआ है? अचानक से बिल्डिंग भरभराकर गिरी है, जांच में क्या कुछ पता चल पाया है जो शुरुआती जांच में? देखिए, कमोबेश रीजन यहाँ भी वही है जो कि ग्रेटर नोएडा में थे। यहाँ भी दरअसल क्या है कि ये जो इलाका है वो पूरी तरीके से जो है अनडेवलप्ड इलाका है, अवैध कॉलोनी जिसे कहा जाता है सीधे शब्दों में, वो अवैध इलाका है ये यहाँ पर, जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और बहुत सारी इमारतें यहाँ पर भी बन रही हैं, क्योंकि बारिश आज हुई है, पूरे दिन ये जो बारिश हुई है उसकी वजह से बहुत सारा पानी यहाँ पर बिल्डिंग के आसपास जमा हो गया था। और यहाँ की जो जमीन है वो भी खेत की जमीन है, रेतीली जमीन है, इसकी वजह से जो है यहाँ भी कमोबेश वही सारे रीजन है जो कि ग्रेटर नोएडा में थे, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग गिरी है। बदिजमा, आप बता रहे हैं कि यहाँ पर और भी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, क्या उनकी भी जांच की जाएगी, क्योंकि ये हादसा दोबारा ना होने पाए, काफी दुखद हादसा यहाँ पर हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये जहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग इस तरीके से बनी, हालांकि मैं बता दूं कि जब ग्रेटर नोएडा में हादसा हुआ था तभी से यहाँ जो अथॉरिटी है वो एक्टिव हुई थी। अथॉरिटी ने तमाम ऐसे बिल्डिंगों की लिस्टिंग करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था, लेकिन उस आदेश पे अभी कोई अमल हो पाता, उसके पहले ही ये बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, जिसके बाद जाहिर सी बात है प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। अथॉरिटी जो जीडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको भी यहाँ पर सख्ती दिखानी पड़ेगी। जी मनोज, मैं एनडीआरएफ की टीम जो यहाँ पहुंची है, कितनी तेजी से रेस्क्यू किया जा रहा है, क्या कुछ तैयारी करके आई है टीम? देखिए ये वही टीम है मैंने बताया जो कि ग्रेटर नोएडा में जो डबल बिल्डिंग कोलैप्स को रेस्क्यू किया था, और वहां पर
काफी ज्यादा इन लोगों ने तेजी दिखाई थी। इतनी बड़ी इमारत का जो है काफी जो है मोटा मलबा जबकि यहाँ गिरा हुआ था उसको जिस तरीके से इन लोगों ने रेस्क्यू किया था, उसको साफ करने के बाद वहां से निकाला था। हालांकि ये बदकिस्मती रही एनडीआरएफ की कि वहां से किसी को जिंदा नहीं निकाला जा सका, सभी के सभी नौ लोग जो थे वो मृत अवस्था में मिले थे। लेकिन इन्होंने काफी तेजी से काम किया था और भी कुछ यहाँ भी देखने को मिल रहा है। मैं एक चीज ये जो है जरूर कि ये अभी ये टीम एक तरीके से अभी पहुंची भी नहीं थी, इन्होंने आराम भी नहीं किया और ये एक दूसरा बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया जिसमें ये टीम लगी हुई है। जी जी बदिजमा, ये तस्वीर अभी हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर कई एक बच्चा भी घायल हुआ है जो बुरी तरह से जख्मी दिखाई दे रहा है, उसको अस्पताल ले जाया जा रहा है। क्या अभी और भी कुछ लोगों को निकाला गया है, क्योंकि टीम यहाँ पर 20 मिनट पहले पहुंच चुकी है? देखिए चूंकि मैं बता दूं कि दो बच्चे समेत यहाँ से चार लोगों को करीब यहाँ से रेस्क्यू किया गया है जो घायल हैं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। इसके अलावा भी अभी करीब एक दर्जन लोग यहाँ फंसे होने की संभावना है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि तीन परिवार यहाँ पर जो इस कंस्ट्रक्शन में शामिल थे, जो यहाँ पे मजदूरी कर रहे थे, उन तीन परिवारों के जो बच्चे बीवी और खुद वो लोग यहीं पर फर्स्ट फ्लोर पे रहा करते थे। तो जब ये बिल्डिंग जो कोलैप्स हुई है पूरी तरीके से कोलैप्स होकर के ताश के पत्ते की तरह बिखर गई है, जमीन दोज हो गई है, जिसकी वजह से जो अगर कुछ लोग यहाँ पर होंगे तो जाहिर सी बात है वो निचली सतह में होंगे और वहां तक एनडीआरएफ को पहले पहुंचना होगा। जी बिल्कुल बदिजमा, ऐसे हादसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं मानव संसाधनों की कमी और साथ ही साथ उन्हीं की लापरवाही से ऐसे हादसे होते। क्या बिल्डिंग मालिक की तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक सामने आए? क्या वो सामने आए हैं अभी तक? देखिए अभी तो ये चूंकि हादसा अभी बहुत रिसेंटली ये हादसा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर जो है पुलिस टीम भी पहुंची है, हम लोग भी फौरन ही यहाँ पहुंच गए थे। रही बात जो मालिक की है, वो चूंकि अभी मालिक का कुछ खास पता नहीं लग सका है, पुलिस अभी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि हम पता कर रहे हैं कि इसका मालिक कौन है, कौन पार्टनर है इनमें, उन तमाम लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी वो लोग आइडेंटिफाई नहीं पाए, पुलिस उन्हें आइडेंटिफिकेशन की जो है जो प्रोसेस है वो पूरा कर रही है। बदिजमा, किसकी निगरानी में यहाँ पर काम चल रहा था, क्या उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्या वो लोग मदद के लिए सामने आए हैं? देखिए ये जो इलाका है वो जो है मसूरी थाना क्षेत्र का ये मिसलगढ़ इलाका है जो कि अथॉरिटी के ही क्षेत्र में आता है, गाजियाबाद प्रशासन और जीडीए के अंडर में ही ये पूरा इलाका आता है। फिलहाल यहाँ पर कौन ठेकेदार थे, कौन बिल्डर थे, इन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं लग सका, क्योंकि जैसे ही ये बिल्डिंग गिरी है यहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो भी यहाँ से गायब हो गए हैं। हालांकि पुलिस जो है वो जांच कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। जी बदिजमा, यहाँ पर और भी बिल्डिंगों का निर्माण किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कई और बिल्डिंग भी होंगी, उनको लेकर क्या कुछ अब आगे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वहां पर भी मजदूरों का परिवार रहता है, लगातार काम चल रहा होगा? देखिए जिस इलाके में ये बिल्डिंग गिरी है यहीं पर इस जैसी तीन चार और जो है यहाँ पर ढांचे खड़े हैं, उन पर भी निर्माण हो रहा है। हालांकि उनका जो फ्लोर है वो अभी जो है ज्यादा हाई नहीं था, लेकिन ये बिल्डिंग जो गिरी है वो पूरी चार फ्लोर बन चुकी है। आसपास कुछ बिल्डिंगें ऐसी भी हैं जिनमें रिहाइश भी हो चुकी है, लोग रह रहे हैं। जाहिर सी बात है ये उनके लिए बहुत ही सदमे जैसी बात है, क्योंकि जो लोग रह रहे हैं अब उनमें एक तरीके का खौफ है, क्योंकि जिस जो बिल्डिंग गिरी है उसके बगल में ही जो है एक पूरी पांच मंजिल की इमारत है, ठीक वैसी जैसे कि ग्रेटर नोएडा में थी। तो वहां के लोग जो है वो काफी ज्यादा दहशत में आ गए हैं। जी जी बदिजमा, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको दिखाते हैं कि स्थानीय लोग जो वहां पर थे, जिन्होंने हादसा देखा है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से इस हादसे को देखा है उस वक्त? जो मट्टी भराव की थी ना शायद वो धसी होगी इसके अंदर। अच्छा, कितने लोग होंगे लगभग इसके अंदर? पांच आदमी। कितने कुछ निकाले गए अब तक? हाँ, दो आदमी निकाल गए, एम्बुलेंस में भेज दिए गए। अच्छा, पांच निकाले और बाकी जो और बाकी कह रहे हैं आवाज आ रही है आपको, देखो निकाले गए। तो बदिजमा संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बदिजमा, क्या कुछ अपडेट फिलहाल मिल रही है? देखिए अपडेट ये है कि जो एनडीआरएफ की जो है दो दो कंपनी यहाँ पर बुला ली गई है और जो है कुल यहाँ पर करीब अभी जो है 80 लोगों की टीम यहाँ पर एनडीआरएफ की पहुंच गई है। पहले एक टीम आई, उसके बाद दूसरी टीम भी इन्वॉल्व कर लिया गया है।
जो डॉग स्क्वाड है वो भी आ गया है। इसके अलावा जो उनके जो स्पेशली जो कुछ इक्विपमेंट रहते हैं जिनके जरिए वो अंदर मलबे में अगर कोई जिंदा चीज होती है, कोई बॉडी होती है, तो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। उस जो है उस कैमरा की भी मदद ली जा रही है। तमाम जो संसाधन एनडीआरएफ के पास होते हैं उन तमाम संसाधनों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और उनकी सबसे पहले कोशिश देखिए यहाँ पर यही है कि जो लोग अंदर हो, जो जिंदा हो, उनको सबसे पहले निकाला जा सके। जी बदिजमा, इससे पहले जो नोएडा में ऐसा हादसा हुआ था वहां पर यही टीम आप बताने के रेस्क्यू करने के लिए पहुंची थी, तो इस टीम को यहां पर कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है क्योंकि वहां पर दो बिल्डिंग गिरी थी, यहां पर भी उसी तरीके का एक हादसा हुआ है? देखिए मैंने बताया कि कमोबेश हालात बिल्कुल सेम है जैसा कि वहां था वैसे ही हालात यहाँ भी है। यहाँ भी जो इलाका है वो अनडेवलप्ड इलाका है और यहाँ भी काफी सकरा रास्ता है। इसके अलावा पूरे में आसपास जो है वो निर्माण हो रहा है, सैटरिंग लगी हुई है जो कि उन सैटरिंग से होकर के एनडीआरएफ की टीम को जो है घटनास्थल पर पहुंचना पड़ रहा है। इसके अलावा जो है तमाम जो पानी है वो भरा हुआ है आसपास, तो एनडीआरएफ की टीम को काफी ज्यादा मुश्किलें यहां भी झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी उन मुश्किलों से पार पाते हुए एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर मुस्तैदी से जुट गई है। जी बदिजमा, स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं जिस तरीके से हादसा हुआ है उससे पहले वो लगातार देख रहे होंगे किस तरीके से काम यहाँ पर चल रहा है क्योंकि लापरवाहियां सामने सामने दिखाई देती हैं? देखिए स्थानीय लोग जो है वो कह रहे हैं कि ये बहुत सदमे की तरह है उनके लिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि आसपास रह रहे हैं और उन्होंने इस बिल्डिंग में जो है वो फ्लैट बुक कराया था। इवन कि कुछ जर्नलिस्ट लोग भी हैं उन्होंने भी जो है अपनी जिंदगी की जो गाड़ी कमाई थी उससे यहाँ पर फ्लैट बुक किया था क्योंकि मैं देखिए बता दूं एक बार वंदना की जो यहाँ के फ्लैट की जो कॉस्ट होती है वो जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं उनकी जो कॉस्ट है उसके करीब आधी होती है। तो एक आम इंसान के लिए जिसकी पे स्केल कम है उसके लिए उन बड़ी सोसाइटीज में मकान लेना बहुत ही मुश्किल है, तो वो इस तरफ रुख करते हैं सस्ते मकान और अच्छे मकान के चक्कर में, वो इन जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं, जो छोटे बिल्डर्स हैं, इनके चक्कर में आ जाते हैं और कच्चे लालच में इन जगहों पर फ्लैट बुक करा देते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जो यहाँ पर इन्होंने फ्लैट बुक कराए थे उनके लिए बहुत ही सदमे वाली बात है क्योंकि देखिए बिल्डर फरार है और जो है पुलिस उसको पकड़ेगी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, लेकिन जो लोग हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था इसमें उनके लिए ये एक सदमे की तरह है क्योंकि उनका पैसा वापस हो पाएगा, उन्हें ये फ्लैट मिलेगा, इसके बदले को फ्लैट मिलेगा, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिल पाना बिल्कुल बदिजमा बड़ा गंभीर सवाल यहाँ पर ये भी है कि जो लोग बिल्डिंग के मालिक होते हैं, जो बिल्डिंग बनवा रहे होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ठेकेदार होते हैं, कोई निगरानी नहीं करता है किस तरीके से काम चल रहा है और इस तरह के हादसे होते हैं, जानमाल का नुकसान हो जाता है? देखिए ये सब वंदना ये सब खेल है और इस खेल में जो अथॉरिटी है वो स्थानीय पुलिस और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसके जो निचले तबके के जो कर्मचारी हैं वो इस खेल में शामिल होते हैं। खास तरीके से अगर जीडीए की बात करें तो जीडीए की जो जेईई है उनके लिए इस तरीके का कंस्ट्रक्शन हार्ड कैश की तरह है। जैसे ही कंस्ट्रक्शन शुरू होता है जो कर्मचारी हैं या कर्मचारियों के जो जो ठेकेदार हैं वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं और अपना पूरा कट वसूल करके एक तरीके से खुली छूट दे दी जाती है कि आप ये निर्माण करिए। तो जो है फिर उसके बाद जब दूसरा स्लैब पड़ता है, तीसरा स्लैब पड़ता है, इस तरीके से स्लैब दर स्लैब उनका जो कट है वो मिलता रहता है, बिल्डिंग दर बिल्डिंग उनका कट मिलता रहता है और जो है ये इस तरीके के निर्माण होते रहते हैं। आम आदमी की जान जरूर इसमें खतरे में पड़ती है, आम आदमी की जान जाती भी है कई बार, लेकिन इन सब का जो अथॉरिटीज हैं और जो उसके कर्मचारी हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी बिल्कुल बदिजमा, इस बीच हम ये तीन तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इमारत किस तरीके से गिरी और उसके बाद जख्मी बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन बदिजमा सवाल यह है कि खरीदारों के जेहन में कितना डर बैठ गया होगा ये सब तस्वीरें देखने के बाद क्योंकि वो आगे कहीं भी अपने लिए फ्लैट देखेंगे तो इस तरह के हादसे का कहीं ना कहीं खतरा उनके दिमाग में रहेगा। देखिए बहुत से लोग जिन्होंने इस जैसे फ्लैट में जैसे बिल्डिंग में फ्लैट बुक कराया है वो सभी सदमे में होंगे और अब कहीं ना कहीं वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे और अगर मुमकिन हो सकेगा तो जाहिर सी बात है वो अपनी जो कीमत है जो उन्होंने फ्लैट के लिए दी है, जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसको वापस भी पाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये वाकई बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी जिस तरीके से तीन बिल्डिंगें जो है गाजियाबाद और नोएडा में गिरी हैं वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है और
जब वो दो बिल्डिंगें कोलैप्स हुई थी तभी ये कहा जा रहा था, हम लोग भी इस बात को कह रहे थे कि इस तरीके के बहुत सारे हादसे हो सकते हैं और उन हादसों की शुरुआत यूं कहें कि अब हो चुकी है। अगर ये बारिश, अभी देखिए बारिश आज गाजियाबाद में कायदे से आज बारिश हुई है, सुबह 8 बजे से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी तक रुक रुक करके जारी है। अगर ये बारिश 2 या 3 दिन और हो जाती है तो स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह हो सकती है और ऐसी तमाम बिल्डिंगें, ऐसी जाने कितनी बिल्डिंगें हैं जो की गिर सकती हैं। जी बिल्कुल बदयुजमा, अगर उन मजदूरों के बारे में सोचे जो अपना घर परिवार छोड़कर कहीं और अपनी दुनिया बसाते हैं, वहीं पर काम करते हैं, वहीं पर रहते हैं फैमिली के साथ, और इस तरीके का हादसा उनके साथ होता है, पूरा पूरा परिवार उनका बर्बाद हो जाता है। देखिए मजदूरों की जो जो सैलरी होती है या जो उनकी दिहाड़ी होती है वो 300 रुपए से लेकर के 400 रुपए के आसपास होती है, जो कि महीना 9,000 से 12,000 रुपए बैठता है और इसी में पूरा परिवार चलाना, इसी वजह से पैसे को बचाने के लिए वो जिस जगह पर जो काम चल रहा होता है उसी जगह पर वो रिहाइश भी कर लेते हैं ताकि वो पैसे बचाए जा सकें। और कहीं ना कहीं बिल्डर का भी ये लालच होता है कि इनको नजदीक से नजदीक रखा जाए ताकि इनसे बैलों की तरह काम लिया जा सके, ज्यादा से ज्यादा काम लिया जा सके। और जो मजदूरों का ये जो लालच है और बिल्डरों का जो लालच है वो मजदूरों के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो रहा है, ऐसा ही